Welcome back to my channel. Hope you all are doing good and staying safe at home. आज का वीडियो होने वाला है अबाउट Amazon haul. Amazon से मैंने कुछ आइटम्स परचेज करे थे फॉर द किचन. सबके लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी इनके सबको कुछ पसंद आए. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सबसे पहले है ये प्लैटर प्लेट विच इज ऑफ मेलामाइन. व्हाइट कलर में आपको ओवल शेप में प्लैटर प्लेट मिलेगा. अगर आप अपने गेस्ट के आगे या अपने लिए भी स्नैक्स ऐसी प्लेट में सर्व करते हैं तो बहुत ही सुंदर बहुत ही अट्रैक्टिव दिखता है. सो इस प्लेट का प्राइस था इनिशियली 400 एंड ये मुझे पड़ी है 350 की. नेक्स्ट ये है वुडन सर्विंग प्लैटर. अगेन अ प्लैटर प्लेट. ये काफ़ी बड़े साइज में है. दिस इज 40 सेंटीमीटर इन साइज. इसमें आप अपने यहाँ पर स्नैक्स सर्व कर सकते हैं और इस तरफ आप अपना डिप रख सकते हैं, अपनी चटनी रख सकते हैं, केचप रख सकते हैं, वॉट एवर. अच्छा खासा साइज आपको ये मिलता है. इसका इनिशियल प्राइस 1300 था और मुझे पड़ा है 700 में. थोड़ा सा कॉस्टली है बट वुड है सो इट लुक्स रियली नाइस. ये वुड आपको जैसा आपका चॉपिंग बोर्ड होता है उस तरह का आपको वुड मिलेगा. नेक्स्ट आई हैव दीज प्लैटर प्लेट्स और ट्रे. आई डोंट नो व्हाट शुड आई कॉल देम. आई गॉट दीज टू. ये पेयर में ही आया था. इसका मटेरियल काफी अच्छा है. अगेन मेलामाइन है और अच्छी सी शाइन है इसमें. ऐसा नहीं कि आपको कुछ डल मिलेगा. 14 इंच का इसका साइज है. इसका इनिशियल प्राइस 1000 रुपीज था एंड मुझे 600 का पड़ा है. सो ये प्लैटर प्लेट्स थे जो कि मेरी नीड नहीं थे बट ये मेरा शौक था. नेक्स्ट जो मैं चीज आपको दिखा रही हूँ वो एक्चुअली मेरी नीड थी. सो दिस इज द मिल्क पॉट. स्टेनलेस स्टील मिल्क पॉट है. 3 लीटर का है ये और काफी हैवी क्वालिटी का है. मुझे थोड़ा सा डाउट था कि ऐसा ना हो कुछ हल्की क्वालिटी का निकले, मैं ऐसे दबाऊं तो ये अंदर ही चला जाए, बट ऐसा नहीं है. अच्छा खासा इसका थिकनेस है. काफ़ी स्टर्डी है. ओवरऑल मैं काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ. इसका इनिशियल प्राइस था 900 और मुझे ये पड़ा है 470 का. नेक्स्ट थिंग विच आई हैव विद मी वो मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ. उसका रिव्यू मैं यूज़ करने के बाद ही देना चाह रही थी कि ये कैसा निकलता है. वैसे इसमें मुझे कोई डाउट नहीं था बिकॉज मेरे फैमिली मेम्बर्स ऑलरेडी इसे यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए मैंने इसे ऑर्डर करा है. एंड दिस इज दी कढ़ाई स्टेनलेस स्टील की. इसका मैं आपको बॉक्स दिखा देती हूँ. Hawkins Tri-Ply Stainless Steel Deep Fry Pan with Glass Lid 2.5 liters. इसको आप यहाँ से देख लीजिए. ये आपको कढ़ाई में आपको वुडन हैंडल्स मिलेंगे एंड ये वुडन नॉब मिलेगा और इसका जो ढक्कन है ये ग्लास लिड है, ग्लास में है. सो बहुत ही अच्छा है. ये काफ़ी बड़ी कढ़ाई है. 2.5 लीटर इज सफिशियंट. 4 लोगों के लिए 5 लोगों के लिए आराम से इसमें सब्जी बन जाएगी. इसके हैंडल्स काफ़ी दूर है कढ़ाई से तो जलने का कोई मतलब नहीं है. एंड आप कितने भी देर तक कढ़ाई को गैस पर रखो आपके ये हैंडल्स गर्म नहीं होंगे. सो ये अलग इशू बिल्कुल नहीं आएगा इसमें. साथ ही इसका बेस काफ़ी हैवी है, 3 mm थिक है. सो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है बिकॉज अगर आपका बेस यूटेंसिल्स का पतला रहता है तो आपका खाना जल जाता है. ये आपका इंडक्शन पर भी आराम से चलेगा, गैस स्टोव पर भी चलेगा. डिश वॉशर में आप इसको वॉश नहीं कर सकते हैं बिकॉज इसका ये बाहर से मैंने मिरर वाला फिनिशिंग दिया है, ये खराब हो जाएगा. इस कढ़ाई का डायमीटर है 26 सेंटीमीटर्स. इसका इनिशियल प्राइस था 2000 रुपीज और मुझे पड़ा है ये 1750 में. ओवरऑल काफ़ी अच्छी कढ़ाई है. अगर आप ढूंढ रहे हैं कुछ नॉन स्टिक और एल्यूमिनियम से डिफरेंट तो स्टील कढ़ाई घर पे होनी ही चाहिए, विच आई बिलीव मुझे बहुत टाइम से चाहिए थी स्टील की. नेक्स्ट आई हैव दीज काइंड ऑफ आइसक्रीम बोल्स. पहले जो मेरे पास बाउल्स हैं वो सिर्फ कटोरी ही है, ये स्टैंड नहीं है. सो दिस टाइम मैंने ये स्टैंड के साथ लिया है. इसको मैंने लिया है 4 के सेट में. 4 का सेट ही अवेलेबल था. इसमें कंपनी है ग्रीन एप्पल. काफ़ी अच्छा है. इसका जो थिकनेस है ग्लास की काफ़ी मोटी है. इसका प्राइस मुझे पड़ा है 349 का. ओवरऑल काफ़ी अच्छे हैं. यू कैन डेफिनेटली बाय देम. देन नेक्स्ट इसको तो हर कोई जानता होगा. दिस इज दी पिजन हैंडी चॉपर मिनी. ये आपका मिनी चॉपर है, हैंड से चलने वाला, नॉट विद द इलेक्ट्रिसिटी. इसमें आपको मिलती है 3 ब्लेड्स. सो आई थिंक ये तो आजकल हर घर में होना ही चाहिए. कॉस्टली नहीं है. जब आपको ज़्यादा चॉपिंग करनी हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं. आपको थोड़े मोटे मोटे पीसेस रखने हैं तो आप थोड़ा सा कम चलाओ. आपको बहुत बारीक करना है तो आप इसे ज़्यादा चलाओ. बस आपको ये बंद करना है और इसको फोल्ड करना है.
काफी अच्छा है आई थिंक, स्पेशली उन लेडीज के लिए जो कि घर में थक चुकी है, दिन भर में 3 टाइम यही प्याज टमाटर काट काट के आप फटाफट इसमें डाल के इसे काट सकते हैं। मेरे घर में हमेशा एक एक्स्ट्रा रहता ही है, सो ये मैंने एक्स्ट्रा लिया है। इसका इनिशियल प्राइस था 495 एंड मुझे पड़ा है ये 250 का। कभी कभी ये और भी सस्ता हो जाता है, लाइक 210 220। नेक्स्ट आई हैव दिस टेफलन राउंड चीज केक मोल्ड नॉन स्टिक केक टेम। आप इस मोल्ड में अपना केक बना सकते हैं, आप ढोकला बना सकते हैं, वट एवर, कुछ भी जिसमें आपको बैटर डाल के स्टीम में रखना हो या फिर आपको अवे में रखना हो, तो ये काफ़ी अच्छा है उसके लिए। मेरे पास पहले जो है वो सारे टिन के हैं एंड लाइक बंद है, इसमें आपका ये बेस अलग निकल सकता है। तो दीज आर स्पेशली फॉर द चीज केक जिसमें कि आप लेयरिंग डालते रहते हैं बट आप उसे उल्टा नहीं कर सकते हैं, तो उसको ओपन करने के लिए आपको ये लूज करना पड़ेगा एंड ये आपका अलग निकल जाएगा। काफी लोगों को इन केक टिन में शिकायत रहती है कि ये हमारा पील ऑफ हो गया है एंड बेकार क्वालिटी का है। अगर आपको इसे ढंग से रखना है सो द बेस्ट थिंग इज कि आप इसे प्रॉपरली ग्रीस करें, बिकॉज ग्रीस के बिना नहीं चलेगा। भले ये नॉन स्टिक है बट ग्रीस करने इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सबसे बेस्ट है कि आप इसमें बटर पेपर यूज करें। मैं हमेशा से केक बनाने के लिए बटर पेपर यूज करती हूँ, सेंटर में भी एंड साइड में भी, तो इससे आपका केक भी काफी सुंदर लगता है जब आप उस बटर पेपर को हटाते हैं, और चिपकने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। इसका साइज है 20 सेंटीमीटर। अगर आपको इससे छोटा लेना है तो आप इससे छोटा भी ले सकते हैं, बट ये वाला साइज लाइक इनफ है आई थिंक 2 पाउंड के केक के लिए। इसका इनिशियल प्राइस था 1000 रुपीज और मुझे पड़ा है 300 रुपए। अब आते हैं इस हॉल की लास्ट चीज पे, ये है अमेज़न बेसिक फूड स्टोरेज कंटेनर। ये मुझे कंटेनर मिले हैं सेट ऑफ 6 है इसमें। सबसे बड़ा बॉक्स ये वाला है, इसका ढक्कन इतना बड़ा है। इसका साइज है 4.7 लीटर। इस बड़े बॉक्स को आप कैसे भी यूज कर सकते हैं, आप इसे फ्रिज के लिए भी यूज कर सकते हैं, आप इसे अपना ड्राई राशन जैसे मसाला वगैरह सब हो गया, वो वाले पैकेट्स जो कि अभी अपने ओपन ही नहीं करे हैं, उन सब के लिए भी आप इसे यूज कर सकते हैं, या फिर आप अपने बेडरूम में यूज कर सकते हैं, इसे फर्स्ट एड बॉक्स के तरह यूज कर सकते हैं। काफी अच्छा खासा साइज है इसका। देन ये 3 है मीडियम साइज के, इसका साइज है 600 ml एंड ये भी अपने आप में लाइक काफी बड़ा साइज है इनका। इसको आप अपना फ्रिज में काफी अच्छे से यूज कर सकते हैं, आप लाइक इसमें मिर्च स्टोर कर सकते हैं, इसमें अदरक स्टोर कर सकते हैं, या आपका कुछ अगर सब्जी कोई बच गया है एक रात पहले की वो स्टोर कर सकते हैं, तो मल्टीपर्पज है, आप इसे कहीं भी यूज कर सकते हैं, इधर किचन में या फिर फ्रिज में या फिर अपने रूम्स के लिए कुछ भी छोटा मोटा सामान स्टोर करने के लिए। इसमें मिलते हैं ये छोटू से 2 डब्बे, इसका साइज है 330 ml एंड अगेन सबका पैटर्न सेम है, इस तरीके से खुलता है। ये एयर टाइट कंटेनर्स है, स्पिल प्रूफ है, ऐसा इन्होंने लिखा है, मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं देखूंगी ट्राई करके क्योंकि मैंने इसे अभी तक यूज नहीं करा है। Amazon Basic के कंटेनर्स को काफ़ी अच्छे रिव्यूज मिल रहे हैं, सो इसीलिए मैंने ये पहली बार ट्राई करा है, मेरे पास इससे पहले Amazon Basic के कोई कंटेनर्स नहीं है। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज वीडियो, होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक इट प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन इन फ्रंट ऑफ इट, ताकि आपको मेरे लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।